हेलो दोस्तों, जावा सीखने के लिए कोडर सैंडी चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू इन थ्री नंबर में से हम मैक्स वैल्यू को फाइंड करेंगे इन जावा लैंग्वेज में। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लास बना दिया। अब उसके बाद मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ से हमने मेन मेथड बना लिया। हम यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। तो हम स्कैनर क्लास के ऑप्स स्कैनर क्लास को पहले इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यहाँ से हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे अपना स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर। न्यू कीवर्ड की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। सिस्टम डॉट इन यह हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे यूजर से एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। एंटर थ्री नंबर। यहाँ पे हम तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एन टाइप के, ए बी कोमा बी कोमा सी। अब हम इसको हमारे पास नेक्स्ट इंट मेथड होता है स्कैनर क्लास में, जो कि इंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है रन टाइम पे। ए इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसे हम बी के लिए करेंगे बी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसे सी के लिए सी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। अच्छा, यहाँ पे हमने इन नहीं लिखा है, यहाँ पे हम इसको इन कर देते हैं, इसलिए हमें एरर दे रहा था। अब हम अपना मैक्सिमम का लॉजिक लिखेंगे। तो हम पहले यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाते हैं, ए बड़ा है बी से, देन ए जब बड़ा है बी से तो हम फॉर लूप इफ की कंडीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ, एक इनर फॉर लूप इफ का यूज़ कर रहे हैं, ए बड़ा है सी से, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे मैक्स इक्वल टू यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे मैक्स इज ए। अगर ए छोटा है देन हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, एल्स में प्रिंट करा देंगे ई एल एस सी एल्स। यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे मैक्स इज सी। यहाँ पे हमने अपने इनर लूप का इनर इफ लूप का ये कर दिया है। अब हम इसके बाद अपने इस इफ का पूरे इफ का एल्स पार्ट लिखेंगे। अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है देन हम एल्स में आ जाएंगे ई एल एस सी। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ
बी ग्रेटर देन है सी से, तो हम बी को मैक्स प्रिंट करा देंगे। मैक्स इज बी, एल्स में हम अगर बी ग्रेटर नहीं है तो हम मैक्स सी को प्रिंट करा देंगे। एल्स में ई एल्स आउट किया है यहाँ से, मैक्स इज सी, हमारा लॉजिक बन गया दोस्तों मैक्स वैल्यू फाइंड करने का इन तीन वेरिएबल में से। तो हम फर्स्ट इसको रन करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ से हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। यहाँ से हमने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है, इसको हम थोड़ा साइज इसकी छोटी कर देते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। हमने यहाँ पे जावा नेम से फोल्डर बना रखा है अपने डेस्कटॉप पे, उसके अंदर जाते दिन हम कंपाइल करते जावा सी और एफ मैक्स डॉट जावा। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, हम इसको अपने रन करते हैं जावा एंड क्लास में, ये हो गया। अब हमसे ये तीन नंबर इनपुट करा रहा है, तो हम यहाँ पे 12, 44 and 3 देते हैं, एंटर करते हैं, मैक्स वैल्यू इज 44। एक बार वापस इसको रन कर देते हैं, वापस यहाँ पे हम डालते हैं 5, 1 and 2, तो मैक्स वैल्यू इज 5। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में।